हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज हम आपके आगे लेके आ गए हैं टाटा टियागो का टॉप एंड वेरिएंट, और आज के इस वीडियो में देने वाले हैं आपको इसका नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये ICNG वेरिएंट है और मैं आया हुआ हूँ पहाड़ों में इसे टेस्ट करने, तो वेट करिएगा। काफ़ी सारे डिटेल्ड वीडियोज़ टियागो ICNG के ऊपर आ रहे हैं और काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्ड टेस्टिंग के लिए टाटा ने अब हमें ये गाड़ी दे दी है। चलिए, टाइम हो रहा है इस टाइम लगभग 3:30 का और 4 बजे की एंट्री है। हम टेहरी साइड जा रहे हैं, तो आधा घंटा बचा है। आधे घंटे में आपको बताते हैं नाइट एक्सपीरियंस कैसा है इस टाटा टियागो के टॉप एंड वेरिएंट का, कैसा लाइटिंग सेटअप रखा गया है, क्या क्या फंक्शंस हैं और कितने वो काम के हैं। क्योंकि दोस्तों, टाटा की ये एंट्री लेवल कार है जिसमें कई सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो एंट्री लेवल बिल्कुल भी नहीं लगती हैं अगर अदर ब्रांड्स के हिसाब से देखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, दिखाते हैं आपको हेडलाइट्स का आउटलुक, टेल लाइट्स का आउटलुक, इंटीरियर एम्बियंस कैसी रहती है, और फिर लेके चलेंगे एक शॉर्ट ड्राइव पे और वहाँ भी बताएंगे क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका हेडलाइट सेटअप। तो इस टाइम आप देख सकते हैं ये कुछ हेडलाइट सेटअप निकल के आ रहा है, और पहली हेडलाइट पे आ जाऊँ तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये कुछ लाइट दी गई है इसके DRLs की, और अब ऑन कर दिया मैंने इसका फॉग लैम्प। ये आप देख सकते हैं फॉग लैम्प रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है। अभी आपको लाइटिंग रिस्पॉन्स भी दिखाऊँगा रोड पर। अब ये आप देखेंगे तो ये लो बीम दी गई है और ये दी गई है इसकी हाई बीम। प्लस हज़ार्ड लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ORVM पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और अब आपको लेके चलते हैं टेल लाइट की तरफ। तो दोस्तों, टेल लाइट सेटअप भी हैलोजन में है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये एक एंट्री लेवल कार है। और सभी लाइटें मैंने बंद कर दी हैं इस टाइम, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ तो पार्किंग पे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है टेल लाइट्स का, और ये आप देखेंगे तो ब्रेकिंग पे कुछ इतना फ़र्क आ रहा है। इंडिकेटर्स ऑन कर दिए और रिवर्स लैम्प ऑन कर दिया, तो ये इसका फुल लाइटिंग सेटअप है। आप देख सकते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। ओवरऑल टियागो एक काफ़ी अच्छी कार निकल के आती है लाइटिंग रिस्पॉन्स के हिसाब से। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑन रोड रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको नहीं पता चलेगा, बट स्टिल चेकआउट करा देता हूँ तो फ़र्क पता चल रहा है, भले ही हैलोजन्स हो, और हाई बीम लो बीम का डिफरेंस भी आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा मैंने फॉग लैम्प्स भी ऑन कर दिए, और फॉग लैम्प्स का डिफरेंस भी आपको रोड पे इस जगह पे पता चल रहा होगा। चलिए ड्राइव करते हैं थोड़ा, और ड्राइविंग का फीडबैक भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आगे आपको अंधेरी जगह पे भी दिखाएंगे कि लाइटिंग रिस्पॉन्स कैसा है, और फिर केबिन एम्बियंस दिखाएंगे कि केबिन एम्बियंस कैसी रहती है नाइट में। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम इल्यूमिनेशन पहले तो रोड पे काफ़ी अच्छी है, और उसके बाद हेडलाइट्स हमारे पास काफ़ी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं हैलोजन्स अगर इतनी हेडलाइट इतनी ज़्यादा लाइट में भी विजिबल हैं, तो दोस्तों आप लगा सकते हैं कि अंधेरे में ये कितना बढ़िया काम करते होंगे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं तो आपको ईजीली रिस्पॉन्स पता चल रहा होगा। और दोस्तों, इसके लो बीम में भी लोगों ने मेरे को इशारा किया अपनी बीम लो करने के लिए, तो आप लगा सकते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी आपको बता दूँ, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर आते हैं, LEDs के अंदर आप चाहें तो अपग्रेड करा सकते हैं। हालांकि लाइटिंग रिस्पॉन्स एनफ लगा मुझे तो, एज सच कोई कमी नहीं लगी है कि आपको अपग्रेड कराना पड़े या कराना चाहिए। हाई बीम भी ऑन कर दिया मैंने इस टाइम, और फॉग लैम्प्स भी ऑन कर दिए। अब आप नोट कर सकते हैं फुल लाइटिंग सेटअप के साथ गाड़ी चल रही है, और रोड पे इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छी है, तो अभी आपको उतनी जस्टिस नहीं हो पाएगी जितनी मैं एक्चुअल में कराना चाह रहा हूँ। बट आगे एक ऐसी रोड आने वाली है जहाँ पे आपको पूरी जस्टिस मैं करा पाऊँगा और करा दूँगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ वाला रूट आ गया, और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटे से पैच पे बिल्कुल कोई लाइट्स का सपोर्ट नहीं है। और दोस्तों, ऐसी ही जगह आपकी हेडलाइट्स काम आती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई स्ट्रीट लाइट्स का कोई ख़ास सपोर्ट है नहीं, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमें अपनी लाइट्स की,
ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये भी DRL की है, और ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। बाकी आगे स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो वापस यू टर्न लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ एक एक रिस्पॉन्स। इवन इंडिकेटर्स का रिस्पॉन्स भी आपको कैमरा में दिख पा रहा होगा। अब दोस्तों ये थोड़ी सही जगह है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ रिस्पॉन्स है लो बीम का, और फॉग लैम्प ऑन कर दिया मैंने, हाई बीम ऑन कर दिया। अब बिना किसी हेडलाइट के आप देख सकते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और हाई बीम पे वैसे चलना नहीं चाहिए, आप देख रहे हैं सामने वाला भाई भी अभी हाई बीम पे आया, तो ये चीज़ रिकमेंडेड तो नहीं रहती है। बट एज़ फार एज लाइटिंग सेटअप इज़ कंसर्न, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं DRLs की इतनी लाइट है दोस्तों। ये मैंने ऑफ कर दी, तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा और आगे लेता हूँ जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ आप देखेंगे इस छोटे से पैच पे लाइट का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये आप देख सकते हैं ये DRLs की लाइट है, हेड लैम्प्स फॉग लैम्प्स ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और हाई बीम लो बीम का रिस्पॉन्स। तो दोस्तों ओवरऑल लाइटिंग रिस्पॉन्स काफ़ी सही है। अब दोस्तों आपको एक्सटीरियर लाइटिंग सेटअप दिखा दिया, हेडलैम्प का रिस्पॉन्स दिखा दिया रोड पे कितनी थ्रो आ रही है, और हैलोजन्स होने के बाद भी मेरे को ठीक ठाक रिस्पॉन्स देखने को मिला। हज़ार्ड लैम्प्स दोस्तों मैंने इसलिए ऑन करे हुए हैं कि सेफ़ नहीं रहता, आप देख सकते हैं हिल्स की रोड है, और माफ़ी चाहूँगा ऑडियो ख़राब हो रहा हो, हवा थोड़ी तेज़ है यहाँ पे। तो चलिए अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। तो दोस्तों उसके लिए निकालनी पड़ेगी चाबी, एक बार चाबी निकाल लेते हैं, और चाबी लगा दी है मैंने, अब आपको सारा रिस्पॉन्स इजीली देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप नोट करेंगे तो स्पीडोमीटर कैसा दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है इसका स्पीडोमीटर। जहाँ तक बात आती है केबिन एम्बियंस की, तो एंट्री लेवल कार से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ठीक बात नहीं है। बाकी एक केबिन लैम्प दिया गया जो कि LEDs में, काफ़ी अच्छी बात है। और लाइट के स्प्रेड की अगर बात करी जाए तो पीछे देख सकते हैं आप थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, बट लाइट का स्प्रेड ठीक ठाक आ रहा है फ्रंट में भी और रेयर में भी। चलिए अब आपको दिखाता हूँ हेड लैम्प्स ऑन करके कौन कौन से स्विचेज इल्यूमिनेटेड है। तो दोस्तों स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, उसके अलावा टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो दिया गया उसमें भी इल्यूमिनेशन एडजस्ट हो जाती है हेड लैम्प्स के हिसाब से। उसके अलावा बटन्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं फॉग लैम्प का बटन ये वाला है, लॉक अनलॉक CNG, नीचे ऑटो AC के सारे कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये पावर विंडो का कंट्रोल आप देख सकते हैं, सिर्फ ड्राइवर के लिए इल्यूमिनेशन दी गई है इसमें। और ओवरऑल एम्बियंस के हिसाब से बस इतना ही कुछ प्रोवाइडेड है, ये आप देख सकते हैं हेडलैम्प्स ऑन कर दिए ऑफ कर दिए, आपको सारी चीज़ें जस्टिस होती एक ही शॉट में दिख पा रही होंगी। उसके अलावा दोस्तों एम्बियंस में ये केबिन लाइट तो मैंने आपको दिखा ही दी थी, एक बार ऑन कर देता हूँ इसे भी, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इतनी रोशनी हो जाती है, और ओवरऑल काफ़ी सही रिस्पॉन्स निकल आता है एम्बियंस में भी। तो दोस्तों देखा आपने टाटा टियागो के टॉप एंड वेरियंट का एक डिटेल्ड नाइट ड्राइव रिव्यू कह सकते हैं आप इसे, या नाइट टेस्टिंग कह सकते हैं आप इसे। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने वर्डिक्ट की, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऑडियो में अगर आपको इशू आ रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। उसके अलावा अब बात करते हैं ओवरऑल कैसा रहा नाइट ड्राइव और कैसा रहा सभी चीज़ों का रिस्पॉन्स। तो दोस्तों टेल लाइट्स की इल्यूमिनेशन ठीक ठाक है, और विजिबिलिटी होती है रेयर ड्राइवर्स को, पीछे चलने वाले ड्राइवर्स को, तो इतना काफ़ी है। हैलोजन्स हैं और बहुत ज़्यादा एंट्री लेवल में एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। हेडलाइट्स की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क होता है कई गाड़ियों में, और टाटा की एंट्री लेवल कार में एक तो प्रोजेक्टर्स दे दिए गए हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, और प्रोजेक्टर्स के साथ साथ अगर बात करी जाए तो दोस्तों भले ही हैलोजन हो बट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग देखने को मिला। केबिन एम्बियंस की बात करें तो दोस्तों अगेन एंट्री लेवल कार में एम्बियंट लाइट हो गई और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशन तो करी जा नहीं सकती। तो ओवरऑल हेड लैम्प्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टाटा टियागो का, और टेल लैम्प्स नॉर्मल है जैसी बाकी गाड़ियों में आती है,
और इंटीरियर एम्बियंस भी ठीक ठाक देखने को मिली। हालांकि इसका जो स्पीडोमीटर दिया गया है डिजिटल, काफ़ी अच्छा लगता है नाइट टाइम में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।